हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। ठीक है, हमने मिनिमाइज करना कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम गिवन हैज़ एन अल्टीट्यूड इक्वल टू रूट टू टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। अल्टीट्यूड है, उसकी हाइट है जो, वो रूट टू टाइम्स है रेडियस से। तो सबसे पहले मैं ये कोण ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कोण आ गया। और सपोज करें ये हाइट रेडियस और ये स्लांट हाइट। ओके, ए बी सी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो सपोज कर लें लेट एल एच आर वी एंड एस बी द स्लांट हाइट, हाइट ठीक है, रेडियस, वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखिए, हमने मैक्सिमाइज जो करना है वो कर्व्ड सरफेस एरिया को, यानी कि फार्मूला होता है, नोट करें, कर्व्ड सरफेस एरिया एस यानी कि पाई आर एल। तो एल की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। इन ट्राइंगल ए बी सी एल स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस आर स्केयर होता है। ओके, और आप इसका स्केयरिंग बोथ साइड करें, एस स्केयर इज इक्वल टू पाई स्केयर आर स्केयर एल स्केयर। तो यहाँ पर एल स्केयर की वैल्यू आप पुट करें, ये आ जाएगा पाई स्केयर आर स्केयर इंटू एच स्केयर प्लस आर स्केयर। अब फिर यह तीन वेरिएबल थे तो हमने एक को चेंज कर दिया, अभी भी एच और आर दो वेरिएबल आ गए, तो एक को फिर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो गिवन है, एक कंडीशन और थी हमारे पास, ये मान लो फर्स्ट आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन वी लिख लेते हैं, इजिक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ओके, तो आप यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, यह हो जाएगा 3V अपॉन पाई आर स्क्वेयर इजिक्वल टू एच। ये एच की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर इसमें हम पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एस स्केयर इजिकल टू पाई स्केयर आर स्केयर। ठीक है कि नहीं, हमने एच की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि एक जगह पुटा, नहीं तो दो जगह हो जाता आर निकालते। तो एच ये स्केयर है, तो ये आ जाएगा 9V स्केयर अपॉन पाई स्केयर आर रेज टू पावर 4 हो जाएगा, इसका स्केयर हो गया। ओके, प्लस आर स्केयर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा एस स्केयर इजिकल टू पाई स्केयर कट जाएगा 9V स्केयर। ठीक है, यहाँ आर एक ही कट जाएगा। ओके, अपॉन में आर स्केयर रह जाएगा, 9V स्केयर तो है ये, पाई स्केयर, कट के आर स्केयर ये आ जाएगा, प्लस पाई स्केयर आर रेज टू पावर 4, इतना आ गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये बनेगा डी एस स्केयर बाई डी आर। अगर ये ऊपर जाए तो आर की पावर -2 है, तो माइनस के 18V स्केयर बाई
आर क्यूब, ये इतना होगा, ठीक है कि नहीं। और आगे इसको करेंगे प्लस फोर पाई स्केयर आर क्यूब। नाउ पुट इट, पुट करो आप इसको डी एस स्केयर बाई डी आर को इक्वल टू जीरो, और ये आ जाएगा माइनस के 18 वी, सॉरी प्लस ही रह जाएगा, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 18 वी स्केयर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कर देते हैं 4 पाई स्केयर आर क्यूब। ओके, अब ये आर क्यूब इधर ये आ जाएगा 18 वी स्केयर बाई 4 पाई स्केयर इज इक्वल टू आर की पावर 6, ये इतना आ गया, ठीक है कि नहीं। अब आप इसको सोल्व कर लें, आर की पावर 6 है तो आप इसको अगर हम काट देते हैं, देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर की पावर 6 इज इक्वल टू 9 वी स्केयर अपॉन 2 पाई स्केयर, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू एक बार इसका स्केयर तो 3v आ जाएगा, ठीक है, 3 × 2 6 है ना, और ये आ जाएगा √2 आ जाएगा, और इसका आर स्केयर का पाई आ गया की पावर 1/3 कर लो, 1/3, क्योंकि ये क्यूब रह जाएगा, पहले मैंने स्केयर रूट ले लिया फिर क्यूब रूट दो बार में कर दिया। तो ये है आर की वैल्यू, नोट करें इसको भी, ये आर आ गया हमारे पास। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू आर, डी टू एस स्केयर बाई डी आर स्केयर इज इक्वल टू, अगर ये ऊपर होता माइनस 54 प्लस का हो जाएगा वी स्केयर बाई आर रेस्ट पावर 4 प्लस 12 पाई स्केयर आर स्केयर। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर, ये आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर डी टू एस स्केयर बाई डी आर स्केयर में एट आर इज इक्वल टू ये 3v बाई √2π यानी कि 1/3। ओके, तो ये 54v स्केयर, वैसे ही आप डायरेक्ट ही कर दो क्योंकि पॉजिटिव है, चलो मैंने अब कर दिया, ये r के वैल्यू 3v अपॉन में √2π ओके की पावर, ये 4 है 4/3, पॉजिटिव ही था, आप डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देते, ये r है 3v अपॉन √2π आर की 2/3 यानी कि ग्रेटर देन 0। ओके, ऑल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आ गया अर्थ सरफेस एरिया मिनिमम आ गया, देयर फॉर एस इज लीस्ट या मिनिमम व्हेन आर इज इक्वल टू हमने निकाला था 3v अपॉन √2π रेस्ट पावर 1/3। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आगे हमने अच्छी कंडीशन निकालनी है तो एच की ज़रूरत पड़ेगी, आप एच निकालिए। तो यहाँ करें आर की वैल्यू ये है, इसको अगर हम क्यूबिंग बोथ साइड कर दें तो ये आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 3v अपॉन √2π। मैंने इसको क्यूबिंग बोथ साइड किया और v की वैल्यू निकाले, ये आ जाएगा पाई √2π आर क्यूब इधर अपॉन 3 इज इक्वल टू वी, और ये वी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ एच की वैल्यू निकाल लो इसमें पुट करके, एच इज इक्वल टू ये था, ये नोट करें, ये एच की वैल्यू है, यहाँ वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो एच इज इक्वल टू ये 3 × 3 कट जाएगा, मतलब आ गया √2, ये 3 है वी की वैल्यू ये है √2π आर क्यूब, 3 कैंसिल हो गया,
अपॉन पाई आर स्क्वेयर। ओके, एक पाई कैंसिल हो गया, एक आर हो जाएगा और रह गया रूट टू पाई, रूट टू आर, रूट टू आर, एच इज इक्वल टू रूट टू आर। ओके, ये हमने प्रूव करना था। तो आप देखिए अल्टीट्यूड है इक्वल टू रूट टू टाइम्स रेडियस, यही हमने प्रूव करना था। ओके, एच इज इक्वल टू रूट टू टाइम, यानी कि हाइट इज इक्वल टू रूट टू टाइम रेडियस। ओके, ये आप लिख सकते हैं हाइट इज इक्वल टू रूट टू टाइम रेडियस ऑफ द बेस, हेंस प्रूव। तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं।